लेकिन अभी पहले बोल दो 500 रुपए की बात हो रही है। नहीं जीतेंगे तो हम ही, मम्मी को मिलेगा और हारेंगे। नहीं इधर छोड़ दो भैया, मैं एक ही चीज बोलूंगा आप लोगों को कि साउथ फिर से कि सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि आपके चारों ओर जिसकी भी शादी हो चुकी है उसके चारों ओर इर्द गिर्द मतलब कि कष्ट, परेशानियां, डर का माहौल बना है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो सुबह हो चुका है, मैं रेडी भी हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए, नहा धोवा कर बस पूजा नहीं किया हूँ, बिकॉज आज पूजा वाइफ कर लेगी, मैं लेट हो जाता हूँ तो वो पूजा कर लेगी। फिलहाल तो अभी मेरा ये लंच पैक कर रही है। तो क्या बनाया है लंच में? रोटी और चिकन। रोटी और चिकन, तो मेरा लंच में रोटी और चिकन आज पैक हुआ है, लेकिन मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे पता है कि ये कुछ ना कुछ या तो लौकी या फिर कुछ ना कुछ पैक की होगी, बिकॉज कल मैंने आते समय सब्जी भी लिया था जिसमें लौकी था, तो इसके चेहरे से पता चल रहा है कि ये लौकी पैक की है मेरे लिए। तो कोई नहीं, फिलहाल अच्छा है, लौकी भी अच्छा लगता है चना दाल के साथ। तो मैं निकल रहा हूँ जल्दी से ऑफिस के लिए, लेट ना हो जाऊँ। ठंड बिल्कुल नहीं है, धूप भी बहुत कड़ा निकल चुका है यहाँ पे। तो मैं निकलता हूँ ऑफिस, रास्ते में दिखाता हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और पढ़ाई करना पूरा दिन पक्का। फिलहाल तो याद ही नींद में है, सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है, इसको पढ़ाई करना रहता है, तो ये 4:30 बजे तक मॉर्निंग में उड़ जाती है। तो चलूँ मैं ऑफिस, चलो बाय। तो दोस्तों फिलहाल देख रहे हो जैसा कि आप, ये बाहर बहुत ही तेज कड़ा धूप है और मैंने जैकेट भी पहन लिया है, तो जल्दी से मेन रोड में पहले पहुंच जाता हूं क्योंकि ट्रैफिक अभी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल मैं जल्दी से पहले पहुंच जाता हूं अपने ऑफिस वाले गली पे, और जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है आज, और आज सैटरडे भी है, वीकेंड है, तो बहुत सारी कंपनी हाफ डे होगी। तो फिलहाल मैं जल्दी से पहुँचता हूँ ऑफिस। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको बड़ी सी थोड़ी दूर पर, वो है IED की बिल्डिंग। ठंड बिल्कुल नहीं है। तो अभी मैं ऑफिस आ चुका हूँ, जैसा कि ये देख रहे हो सर का कैबिन है और मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि हमारा शायद मे बी आज मीटिंग होने वाला है, तो मैं सब पहले आ गया हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, सब ओके ओके है, और आज थोड़ा सर में भी दर्द हो रहा है फिलहाल जब से मैं ऑफिस आया हूँ, क्योंकि धूप भी बहुत तेज है, मौसम भी ठंड और गर्म में मतलब चेंज हो रहा है, कभी बादल कभी धूप, तो इस वजह से थोड़ा सर में दर्द जुकाम जैसा लग रहा है। तो फिलहाल थोड़ी देर में बैठता हूँ यहाँ पे, उसका जाऊँगा फिर अपने टेबल पर काम करने के लिए। तो भाई साहब लंच हो गया यार, वाइफ ने सच में मुझे टिफिन में चिकन दिया है। तो शाम के बज रहे हैं अभी 6:30, और अभी अंधेरा नहीं हुआ है फिलहाल, ये है गुड़गांव और ट्रैफिक भी अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा कुछ देर में, बट उतना तो नहीं रहेगा बिकॉज क्योंकि अभी आज जो है सैटरडे है, तो सैटरडे को उतना भीड़ नहीं रहता है, ना ही ट्रैफिक रहता है सैटरडे संडे, लेकिन मंडे बहुत ज़्यादा रहता है। और ये मेरा पीछे का व्यू है, तो जल्दी से पहले घर पहुँच जाता हूँ। तो मैं फिलहाल अभी निकल चुका हूँ ऑफिस से, और मेरे पीछे है गुड़गांव और दिल्ली हाईवे, और जल्दी से मैं घर पहुँच जाता हूँ क्योंकि अंधेरा होने वाला है, ठंड थोड़ा बढ़ रहा है आज। हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ ऑफिस से घर अभी, बिकॉज ठंड तो थोड़ा बढ़ रहा था बाहर पे। और अभी जो है पुष्पा क्या बना रही है, तो क्या बना रहे हो? मैगी बना रहे हो, जल्दी बना दो, बहुत जोर से, ज्यादा गाजर ज्यादा मत डालना। तो पुष्पा अभी मैगी बना रही है, तब तक मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद दिखता हूँ क्या करना है। और आज हम लोग बैठ के लीडो खेलने वाले हैं, तो देखते हैं। और आज हमारा बचपन का भी खेल स्टार्ट होगा, लीडो और तोता उड़ मैना उड़, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। ये अभी बना रही है यहाँ पे मैगी मेरे लिए, और साथ में अपना पढ़ाई भी कर रही, ऑनलाइन क्लासेस का चल रहा है। तो क्या क्या किया पूरा दिन आज? आज हम पूरा दिन, आधा दिन सोए, आधा दिन पूरा सोए हो, चलो 1 बजे तक, 1 बजे तक ये सोई है। नहा के सोए, ये नहीं कि बिना नहाए। हाँ चलो अच्छी बात है, नहा कर सोए हो, मुझे पता है बाबा। एक्चुअली क्या है ना कि ये थोड़ा लेट से नहाती है, बिकॉज घर का सारा काम करना है, फिर इसको अपना सोचती है कि मैं अपना क्लासेस पूरा कंप्लीट कर लूँ दोपहर में फिर नहाऊं, तो लेट से नहाती है यार। कोई नहीं, लेकिन तबीयत खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं करना कभी। तो जब तक ये मैगी बना रही है तब तक मैं थोड़ा इसके हेल्प कर देता हूँ रात के खाने में, देखते हैं क्या, पूछ लेता हूँ क्या बना रही है। तो क्या बना रहे हो आज? आज हम कुछ नहीं बनाएंगे, बस आज आप बनाइए। आज कुछ नहीं बनाएंगे, आज आप बनाएंगे, कैसी बातें कर रही हूँ। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, रवि सर मेरे को फोन किए थे, बोले थे JP आ जाना घर ऑफिस में। ऐसे नहीं करते हैं। तो फिलहाल मैं तो अभी हाथ पैर धो लिया हूँ, थोड़ा फेस में थोड़ा फेस पैक लगाया हूँ, तो अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ। तो एक्चुअली एलोवेरा लगाया हूँ मैं, तो इसका मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे खाने को कुछ दे रही है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो ये दे रही है
मेरे को दही बड़ा। तो जल्दी से मैं खा लेता हूँ, मुझे भूख तो लगी है बहुत जोरों से, ऑफिस से ही भूख लगी थी, तो मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से बना कर दें। इतनी बचा पूरा पैकेट खा गई और मुझे बोल रही है कि आपके लिए इतने सी बचा, देख रहे हो ना। तो क्या करे, लास्ट में उतना ही बचा तो जितना मर्जी चला रहे थे मक्का रखा ले। ठीक है दोस्तों, तो मैं दही बड़ा खा लेता हूँ पहले। दोस्तों आप लोग जो वीडियो देखे थे मेरे लास्ट वीडियो बर्थडे वाला, जो इन्होंने इसने बताया था पुष्पा जी ने कि दूध का इसने क्या किया, तो ये है दूध का राज कि इसने दही बड़ा में दही जमाया और दही बड़े बनाया है। और ये मुझे को बता ही नहीं रही थी कि मैं क्या बना रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है। मैं सुबह ऑफिस चला जाऊँ तो ये फिर अपना कार्यक्रम स्टार्ट करती थी खाना बनाने का। तो ये है दूध का असली राज, दही बड़े। हो गया हो गया। तो फाइनली मेरा आ गया है पिज्जा बन के, मैगी बन के। मेरे दिमाग में कल पिज्जा का भी चल रहा है, तो पिज्जा बन के आ चुका है। और ये मेरी वाइफ है जो अभी पूरा का पूरा दिमाग जो लगाई हुई है, ये अभी लगाई हुई है इस मैगी में। बहुत अच्छा बना। तो फिलहाल हम लोग दोनों मिलके पहले मैगी खाएंगे, उसके बाद थोड़ा हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। इसका कुछ अपना असाइनमेंट है, उसमें थोड़ा हेल्प कर दूंगा मैं इसको, एंड उसके बाद फिर दोनों साथ में खाना बनाएंगे, फिर खाना वाना खा के फिर सो जाएंगे। तो फिलहाल सोने से पहले तो हमने जैसा बताया कि अभी लीडो खेलना है और तोता उड़ मैना उड़ खेलना है, तो वो आफ्टर स्टडी के बाद या फिर जो भी हमारा असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करने के बाद करेंगे। क्यों? पक्का? और जो हारेगा, जो लीडो में हारेगा या फिर हाँ लीडो में जो हारेगा वो 500 रुपीज किसी को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, जैसे मैं हार गया तो मैं 500 से दूंगा और ये हमला हार जाएगी तो मैं ये मेरे को ट्रांसफर करेगी। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है, हार गए तो आप उनको करेंगे और जीत गए तो आप ही हमें, आप ही हमें को करेंगे। ओ, दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान ये है। तो पहले हम लोग मैगी खत्म कर लेते हैं क्योंकि ठंड हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं ऑफिस का भी थोड़ा कुछ काम था मेरा, अलग से कुछ ट्रेनिंग का था, तो फिलहाल वो मैं कर रहा था। और वाइफ ने बोला कि मतलब पुष्पा ने बोला कि नहीं आप खाना आज बना दीजिए, आपके हाथ का खाने का मन कर रहा है। तो फिलहाल तो दाल चावल और सब्जी बन चुका है और इसे स्पेशल खाना था ये टमाटर का भरता, टमाटर की चटनी। तो फिलहाल मैं इसे गैस में पकने के लिए दे दिया हूँ, तो जब तक ये पक रहा है तब तक मैं कुछ और कर लेता हूँ, थोड़ा अपने फ़ोन पर एडिटिंग का और थोड़ा कुछ अलग से देख लेता हूँ। एंड बस वो तो अभी फिलहाल दिखाता हूँ वो क्या कर रही है। और ये अभी जो है यहाँ पे रूम पे, जैसा कि आप देख रहे हो, ये बैठ के अभी फोन देख रही है, लेकिन खाना नहीं बनाएगी, खाना नहीं बनाना है इसे, नहीं बनाना है, देख लो नहीं बनाना है। हाँ, मैगी बना के खिलाएगा। इसने मुझे ऑफिस आने के बाद मैगी बनाकर खिलाया है, तो इसका डिसीजन ये है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। देख रहे हो ना ऐसा है। तो फिलहाल मैं जाता हूँ जल्दी से पहले खाना बना लेता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ काम भी है अपना, अलग से कुछ पर्सनल काम भी है, तो वो कर लूँगा पहले, लेकिन ये कुछ नहीं करेगी। तो चलते हैं दोस्त, दिखाता हूँ। फिलहाल मेरा टमाटर पकने वाला है तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कैसे बना रहा हूँ उसे चटनी। तो दोस्तों हम लोग खाना बन चुका है, हम लोग खाना भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो जा रहे हैं जल्दी से। अब इसे बर्तन को धोना है और वो अभी पुष्पा धोएगी क्योंकि खाना मैंने बनाया है, तो जल्दी से पहले बर्तन धो लेते हैं। तब तक मैं थोड़ा जा रहा हूँ बुक पढ़ने के लिए, मेरा खाना हो चुका है। तो देखते हैं अब ये लूडो खेलने वाली है या नहीं, बिकॉज लूडो में ये हो चुका है कि जब मैंने बताया इसको कि 500 रुपये देना होगा, जब जो भी हारेगा उसे 500 रुपये देना होगा, तो इसके चेहरे के रंग बदल गए। इसके चेहरे के रंग देख रहे हैं कैसे बदल गए, इसे सिर्फ पैसे चाहिए, सिर्फ पैसे और कुछ भी नहीं। अगर ये हार भी जाए तो भी पैसे चाहिए, जीत भी जाए तो भी पैसे चाहिए, पैसा 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 ऐसा ही है। और अगर मान लो कि अगर मैं इसको पैसे नहीं भी दूंगा, मैं जीत गया इसे देना है, मैं सो जाऊंगा तो भी मेरा अकाउंट से गूगल पे से गूगल से ये कर लेगी, अपने अकाउंट ट्रांसफर कर लेगी, देख लीजिए। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि सावधान रहे, सतर्क रहे, चारों तरफ मतलब ऐसी घटना हो सकती है, शादी बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ना, पूरा सारा काम हो गया और मतलब कि मैंने भी अपना सारा एडिटिंग कर लिया। अब जब लूडो खेलने की बात आई है कि मैं जीतूंगा, मुझे पता है मैं जीत जाऊंगा, तो अब ये भाग रही है अपने किताब मतलब कि अपने बुक्स को लेकर पढ़ने के लिए। तो ये है आज इसका एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं है, बिकॉज आज इसका छुट्टी है तो क्लासेस को करना नहीं है, जो करना था इसने कर लिया, खाना बना शाम को मैगी बनाते टाइम, अब इसे पढ़ाई करना। भाग रहे हैं, चलो खेलो तो आ जाओ। चलिए।
चलिए, लेकिन अभी पहले बोल दो 500 रुपए की बात वाली। नहीं जीतेंगे तो हम ही, हम ही को मिलेगा और हारेंगे नहीं। तो छोड़ दो भैया, मैं एक ही चीज बोलूंगा आप लोगों को कि साथ फिर से कि सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि आपके चारों ओर जिसकी भी शादी हो चुकी है उसके चारों ओर इर्द गिर्द मतलब कि कष्ट, परेशानियां, डर का माहौल बना है, तो आप उसे बचने के लिए प्लीज आप इन सब चीजों से दूर रहें। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।